क्या की। लोकसभा चुनाव की जंग अब अपने आखिरी चरण या कह लीजिए आखिरी मुकाम तक पहुंच चुकी है। आखिरी चरण में जहां चुनाव होने हैं उनमें पंजाब भी है, और यही वजह है कि सैम पित्रोदा के हुआ तो हुआ वाले बयान को लेकर कल प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधा। देश में आतंकवाद और नक्सलवाद बढ़ने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। यूपी का एसपी बीएसपी गठबंधन भी प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर था। प्रधानमंत्री ने पूछा, जो गली के गुंडों को नहीं संभाल सकते वो आतंकवाद से भला क्या लड़ेंगे। अलवर गैंगरेप को लेकर राजस्थान सरकार और उसे समर्थन दे रही मायावती भी प्रधानमंत्री के निशाने पर आई। और बड़ी बहस में आज हम यही बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं। जल्दी से आपको हमारे सवाल हम बता देते हैं कि आतंकवाद पर पीएम मोदी ने किया क्या विपक्ष का एनकाउंटर। फाइनल राउंड में हुआ तो हुआ को क्या इनफ इज इनफ से जवाब मिलने जा रहा है। सिख दंगों पर सैम पित्रोदा के बयान से पंजाब में क्या फंस गई है कांग्रेस पार्टी और इसे खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में। अलवर पर मायावती को प्रधानमंत्री मोदी की चुनौती क्या कबूल है। लोकतंत्र की जंग में कौन कर रहा है हेट पॉलिटिक्स, ये वो सवाल जो हम उठाएंगे लगातार अगले घंटे में। और आपको बता दें कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आशीष सूद दिल्ली बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं, दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की तरफ झुकाव है, इमरान खान आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, और साथ ही आपको बता दूं सीपी सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अपनी बहस का रुख करूं लेकिन उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले ये बड़ी खबर, 21 मई को विपक्ष की प्रस्तावित बैठक पर आम सहमति नहीं बन पाई। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब ये विपक्ष की बैठक हो सकती है। 21 मई को विपक्षी दलों की बैठक का प्रस्ताव अगर आपको याद हो तो चंद्रबाबू नायडू की तरफ से रखा गया था। 21 मई को बैठक के पक्ष में नहीं थे ज्यादातर विपक्षी दल। चंद्रबाबू नायडू ने ममता बनर्जी और राहुल गांधी के सामने ये बैठक का प्रस्ताव रखा था। ममता बनर्जी ने नतीजों से पहले बैठक की अहमियत पर सवाल खड़े कर दिए थे। नतीजों से पहले बैठक का क्या फायदा है ये कहते हुए ममता बनर्जी ने मना कर दिया, ये हमारे सोर्सेज बताते हैं। अब ज्यादातर विपक्षी दलों ने 23 मई के बाद यानी नतीजे आने के बाद बैठक बुलाने की बात कही है। नायडू ने 21 मई की बैठक में कुल 22 विपक्षी दलों के हिस्सा लेने का दावा किया था। तो दीपक झा, हम तो जी न्यूज की डिबेट में भी दिखाते रहे, यहाँ पर सवाल भी पूछते थे तो पैनलिस्ट में ही सहमति नहीं बन पाती थी, तो जो ट्रेलर हमारी डिबेट्स में दिख रहा था वो तो अब साफ हो गया। नहीं, ट्रेलर आप इसको कह सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब 19 तारीख तक का हम इंतजार कर रहे थे कि चुनाव हो जाए, 3 महीने का लंबा कार्यकाल चल रहा था, चुनाव आयोग ने बना दिया था, तो अगर 23 मई के बाद बैठक होगी तो इसमें बुराई क्या है। सच्चाई अच्छी बात यह है कि 23 मई का रिजल्ट आ जाए, सबको पता चल जाएगा किसके पास कितनी सीटें हैं और सब मिलके चुनाव कर लेंगे कि भाई कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसमें भाजपा वाले लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, पता नहीं क्यों, उनके पास न मुद्दा है न कुछ है, वो अपने घर को संभाल नहीं पाते हैं, विपक्षी घरों को तोड़ने की कोशिश अभी करें तो कांग्रेस और दूसरी अन्य दल चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे ममता बनर्जी हो। आशीष सूद जल्दी से आपका काउंटर उस पर डरी हुई है, आपका काउंटर ठीक है, हो गया, अब सुनिए उनका काउंटर। जिस तरह इस जवाब में लड़खड़ाते हुए दीपक जी ने बताया उससे तो पता चलता है भाजपा डरी है या भाजपा से कांग्रेस के समर्थक लोग डरे हुए हैं, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि भाजपा बैठक कब होगी, सवाल ये है भाजपा पहले से ही बार बार ये कहती आई है, सभी लोग ये कहते आए हैं कि ये महामिलावट है, इनके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना देश के लिए कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ना देश के डेवलपमेंट का कोई प्लान है, केवल एक ही प्लान है, मोदी और शाह की जोड़ी को हराना है। क्यों हराना है ये नहीं बताएंगे, इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि इन सब पे मुकदमे चल रहे हैं, इनको अपने आप को और अपने परिवारों को बचाना है, इसलिए घबराए ये हुए हम नहीं घबराए हुए हैं। ठीक है सर, अदिति जी आवाज मेरे कान में गूंज रही, इसको ठीक करा दीजिए। ठीक है सर, मैं फिक्स कराती हूँ, कोई बात नहीं, परिवार हर तरफ है सर, परिवार कोई अलायंस ऐसा नहीं जो इस बात से इंकार कर दे कि उसमें परिवार नहीं है, खैर उसे हमें फैक्ट्स पर रहना चाहिए। लेकिन इमरान खान आम आदमी पार्टी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है जब पंजाब की बात होती है, आपको लगता है जो हुआ तो हुआ वाला बयान था उसका जवाब जनता देने जा रही है, कांग्रेस पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? जी बिल्कुल, ये तो जो भी बयान आया है वो कांग्रेस पार्टी के काफी पुराने लोग रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के काफी करीबी रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही निंदनीय बयान आया है हुआ तो हुआ वाला। साथ ही मैं इस पे और बात करने से पहले मैं बीजेपी के जो आशीष सूद साहब जो अभी बोल के गए हैं
महामिलावटी, ये उनको स्पष्ट कर देना चाहिए क्योंकि जनता देख रही है, देश की जनता इस वक्त लाइव टेलीविजन को, जी न्यूज का डिबेट को। ये महामिलावट इंडिया अलायंस को कह रहे हैं या विपक्षी अलायंस को कह रहे हैं, ये आशीष सूद को क्लियर कर देना चाहिए। मुझे लगता है इंडिया अलायंस भी एक बड़ा मिलावट है, इसलिए वो अपने पार्टी को बोल रहे हैं या विपक्षी को बोल रहे हैं, ये क्लियर कर देना चाहिए। मैं बता देता हूँ, मैं बताता हूँ, उन्हें मौका मिलेगा इस बात, उन्हें मिलेगा, आपको आपको मौका मिलेगा, आप बाद में दीजिएगा, आप बाद, मैं कंप्लीट करूं, आप बाद में जवाब दीजिएगा, ठीक है। और रह गया 1984 का जो नरसंहार था, वो काफी बर्बरियत भरा था, उसका दुख हम सबको आज भी है, और मुझे लगता है कि ऐसा कांग्रेस पार्टी या उनके समर्थक या उनके नेतृत्व की तरफ से ऐसा बयान आना, मैं नहीं जानता उनका पर्सनल बयान है कि पार्टी का बयान है, ये अलग विषय है, ये पार्टी तय करेगी। जो भी बयान आया है, हुआ तो हुआ, वो गलत हुआ है, इसका पंजाब पे बहुत बुरा असर पड़ेगा कांग्रेस पार्टी का। ठीक है, सीपी सिंह साहब, जो सवाल मेरा उनसे था वही आपसे भी था, एक बार फिर से सवाल पूछिए। हुआ तो हुआ, हालांकि उसके बाद राहुल गांधी की तरफ से इस पर खेद भी जताया गया, कहा भी गया सैम पित्रोदा से कि भाई आप माफी मांगिए इसके ऊपर, ये गलत बयानी है। अरे देखिए, ये जो हुआ तो हुआ वाला बयान है, इसमें एक चीज तो कहीं ना कहीं ये लगती है कि जो कांग्रेस है ये मान के चलती रही है कि हमारे सरकार में आने के लिए, सत्ता में आने के लिए इस तरह की चीजें होती ही रहेंगी और हम लोगों को मैनेज करते रहेंगे। लेकिन अभी क्या हो गया है, पिछले 10 सालों में धीरे धीरे मीडिया का इतना पेनेट्रेशन हो गया है, खासकर मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया वगैरह का, कि अब लोग इन चीजों को बहुत गंभीरता से देखने लगे हैं और इनको पृष्ठभूमि में भी देखने लगे हैं, कॉन्टेक्स्ट में देखने लगे हैं। इसका नुकसान इनको भी हो रहा है, और उस लिहाज से आप देखिए तो मनीष शंकर की अय्यर बिल्कुल की कमी बिल्कुल नहीं खल रही है, और आज जो सैम पित्रोदा है वो मोदी के स्टार प्रचारक के रूप में उभर के आए हैं, और इसका कांग्रेस को लाभ होगा ही। ठीक है दीपक जी, आप काउंटर करना चाह रहे थे जल्दी से। जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि हुआ तो हुआ जो एक बयान दिया गया, वो किस संदर्भ में, किस तरीके से पित्रोदा ने बोल दिया, संदर्भ मुझे बताना है क्या? संदर्भ मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ आदित्य जी कि एक निंदनीय बयान था राहुल गांधी ने जो बोल दिया है, लेकिन दूसरी बात हमें देश को आगे बढ़ना है। सारे लोग कई चुनाव दे चुके हैं, 84 के दंगों के बाद आज 30 साल हो चुका है, कई चुनाव आए और गए, एक गड़े मुर्दे उखाड़ना भाजपा का काम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम है। मोदी जी ने क्या किया है, दिल्ली वालों को गैंग करार देते हैं, खान मार्केट गैंग, उनको ये नहीं पता कि खान मार्केट किसके नाम पे रखा गया है, तो दिल्ली वाले गैंग है, चुनाव हो गया तो गैंगस्टर बोलते हैं दिल्ली वालों को, तो नफरत की राजनीति प्रधानमंत्री कर रहे हैं। सूद, देखिए मैं बहुत हैरान हूं, कांग्रेस में सैम पित्रोदास और मणिशंकर अय्यरों की कमी नहीं है, दीपक जी यहां कह रहे हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। अरे साहब, 3,000 लोगों का 34 साल हो गए हैं कत्ले आम हुआ इस चुनाव को, और आप दंगे उसको, हुए, उसको कोर्ट में मामला है, सरकारें आई गई, कितना हुआ तो, लोग तो, मिलके आगे बढ़ रहे हैं, आप जख्म में नमक छिड़कने का तो काम बार बार करते हैं, तो आपके प्रधानमंत्री जी हम नहीं कर रहे हैं साहब। दीपक झा जी बयान हमने दिया या आपके नेताओं ने दिया, आपके बॉस के गुरु ने दिया, हमने नहीं दिया, गड़े मुर्दे हमने नहीं उखाड़े, हम क्यों नहीं कहेंगे, हम क्यों नहीं कहेंगे, आप लोग आप मार्केट को बर्बर हत्याकांड के खिलाफ, आप उस बर्बर हत्या, अरे साहब एक एक करके जवाब दूंगा दीपक जी मुझे मालूम है, उसके बाद कहते मुझे मालूम है सैम पित्रोदा और मणिशंकर अय्यर की जवाब में खड़े होने की बात बोलने की जरूरत नहीं है, आपको डिबेट कीजिए डिबेट की तरह, आपको जवाब सुनिए खड़े आशीष जल्दी, जल्दी से मैं जवाब दूंगा। हाँ देखिए 34 साल बाद भी उस बर्बर हत्याकांड और उस बर्बर नरसंहार के प्रति माफी मांगने का भाव नहीं है, गोधरा में आपने क्या माफी मांगी, क्या हुआ गोधरा में, आपकी सरकार थी, आप लोग जिम्मेदार थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि राष्ट्रधर्म नहीं है, राष्ट्र के नाम पे कलंक है, आपने एक बार माफी मांगी, नरेंद्र मोदी जी ने एक बार भी जनता के सामने आके बोला कि हमारी वजह से वो मेरे शासनकाल में हुआ, और इसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, माफी मांगी गई थी, बात तो दूर है, एक शब्द कह रहे थे अरे जनता के सामने आके शर्मिंदा हूँ। दीपक जी आप राहुल गांधी की तरह प्रलाप मत कीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा, अरे बताइए ना क्या बताना चाहता हूँ, मत बताइए देश की जनता को, बताइए कि गोधरा में आपकी बात हो गई दीपक जी, बात पूरी हो गई, आशीष सूद जी आप भी जल्दी से जवाब दीजिए सर। अरे सुनो भाई सुनो, अरे कहानी मत बताइए, देखिए गोधरा के कांड का जब आप बार बार जिक्र करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि गोधरा में सैकड़ों लोग पुलिस की गोली से मारे गए थे,
यहां पुलिस को आपने अपना बंधुआ बनाकर नरसंहार कराया कांग्रेस ने वोट के लिए, और आप माफी नहीं मांगते हैं। शर्म करिए कुछ। तो आपने माफी मांगी क्या? आपने माफी मांगी क्या जो जिसके साथ किया, वही आप भी जिसके साथ आपने अरे हमने कानून व्यवस्था को बनाया और ये खानदान की गैंग वो गैंग है जो टुकड़े टुकड़े करवाने के लिए राहुल गांधी के साथ और मनमोहन सिंह के साथ जहाजों में शराब पीने जाते थे, समझे? ये वो पत्रकारों का गैंग है। आऊंगी मैं, कम से कम डिबेट को तो डिबेट की तरह कीजिए आप लोग। हम लोगों की जिंदगी की बात कर रहे हैं, हम लोगों के लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं, और आप लोग गलत बात को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। सीपी सिंह साहब, ये किस तरह का वोट अबाउट है? मैं इसमें बहुत दुख के साथ एक बात कहना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ देखिए मेरा पार्टियां बदलती रही हैं। आप जरा सर, आप बात कीजिए। हमारे यहाँ पार्टियां बदलती रही हैं, लेकिन सत्ता संस्थान के चरित्र में जो बदलाव है वो लंबे समय तक नहीं आया है। इसलिए जो सत्ता में लोग होते हैं वो लाश गिराते हैं, जो विपक्ष में होते हैं वो लाश गिनते हैं। विपक्ष वाले जब सत्ता में चले जाते हैं फिर वो लाश गिराते हैं, और पक्ष वाले जब विपक्ष में आते हैं तो लाश गिनते हैं। उनकी निगाह में मनुष्य मनुष्य नहीं, उनका वोट बैंक का चाड़ा होता है। इस बहस में यह साफ उभर के सामने आ रहा है। कि इंसाफ की बात कोई नहीं करता, जख्मों पर मरहम की बात कोई नहीं करता, लेकिन उन जख्मों पर रोटी सेकने की बात हमारी सियासत जरूर करती है और बार बार करती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी ये बड़ी बहस जारी है। आप रहिए हमारे साथ। तो कुल मिलाकर पंजाब की पॉलिटिक्स, हुआ तो हुआ वाला बयान, प्रधानमंत्री का आतंकवाद को लेकर बयान, कई सारे सवाल खड़े करता है विपक्ष से। और साथ ही मेरा सवाल दीपक जी ये भी है, प्रधानमंत्री ने कल एक बड़ी बात कही, उन्होंने ये कहा कि जो लोग गली के गुंडे नहीं संभाल सकते वो देश क्या संभालेंगे। जी देखिए, सहले सहले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे, जैसे हर पर्वत पे चंदन और मणि नहीं मिल सकता, उसी तरीके से हम लोगों ने या हमारी देश की जनता ने मोदी जी को वो मणि की तरह समझ के लेके आए थे, लेकिन वो निकले क्या कंकर। तो इनके जो बयानबाजी है, गुंडे तो भाजपा में भी बहुत सारे हैं, इन्होंने भी रेप, अगर आप उत्तर प्रदेश का इतिहास देखेंगे तो कितने सारे, मध्य प्रदेश में देखेंगे कितने सारे कांड हुए इस तरीके से। तो दूसरे पे आरोप लगाना, दूसरे को संस्कार विहीन बताना, ये मोदी जी का स्वभाव रहा है। और दूसरों के कमियों पे प्रहार करना मोदी जी को बखूबी आता है कि किस समय। चलिए कम से कम आप ये तो मानते हैं ना कमियां हैं दूसरों में। नहीं, मैं दूसरों की कमियों पे प्रहार करना प्रधानमंत्री को आता है? कम से कम आपने एडमिशन तो दिया है कि उनमें कमियां हैं। मोदी जी नवजोत सिंह सिद्धू जिनके यार इमरान खान है उनको खुली छूट दी जाती है, समझ नहीं आता क्या कि क्यों कांग्रेस पार्टी उन्हें खुली छूट देती है? मैं चाहता हूं कि मोदी जी को दूसरों की कमियां बड़ी अच्छे से दिखाई देती है, उनका जो चश्मा है वो बहुत दूसरों की। सर आप अपने पार्टी को लेकर जवाब दीजिए, जिस पार्टी को डिफेंड करने आप बैठे हैं। आप नवजोत सिंह सिद्धू जैसे लोगों के स्टेटमेंट्स को लेकर जवाब दीजिए। दीपक झा, सतपाल सिंह सत्ती का आप देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष, उनका बयान कितना निंदनीय और घोर होता है कि सोनिया गांधी के लिए कितना अपशब्द बोलते हैं। एक औरत के सम्मान के लिए क्या हो सकता है, वो उनके लोगों के मानसिकता को झलकती है। तो आरएसएस और भाजपा ये देश द्रोही पार्टियां हैं। मेरा सवाल आपसे कांग्रेस पार्टी को लेकर था दीपक जी, आप सोच लीजिए, आप सोच लीजिए। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, गलत बयानी किसी की भी तरफ से हो, गलत बयानी किसी की भी तरफ से हो, उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आपसे सवाल कांग्रेस पार्टी को लेकर है, आप उस पर जवाब देते मुझे, ठीक है? आशीष सूद कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री और बीजेपी को कंधे में खड़ा कर, ठीक है? सुनिए, आप उनका जवाब सुनिए, आपके पास टाइम था, आपने नहीं उसका इस्तेमाल किया। आशीष सूद, देखिए मैंने पहले भी कहा था, मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा की कड़ी में बहुत सारे लोग नीचे भी तैयार कर रही है कांग्रेस, और लोगों को जल्दी है उस कड़ी में खड़े होने की, कोई संदर्भ ही नहीं है। सवाल यह है कि कांग्रेस के नेताओं ने एक नरसंहार को हुआ तो हुआ कैसे कह देते हैं? आप उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस ये नहीं कहती है कि हमारा सैम पित्रोदा से रिश्ता नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, जनता से कोई माफी नहीं है, ये एक, अरे भाई साहब सुनिए, देखिए अरे दीपक झा जी आप कितना भी बोल लीजिए, असभ्यता में आपका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ असभ्यता में। अरे भाई, लोगों को मारने के बाद आप कह दो ये उनका निजी बयान था, मैं उनसे पूछूंगा, वो आपके साथ टेबल पर एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। आप दोनों को मैं स्पष्ट कर दूं, इस तरह से डिबेट नहीं हो पाई, आप वाद विवाद कीजिए लेकिन मुद्दे पर कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट कीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहा हूं। तो बड़ी
की बहस लगातार जारी है, कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन इमरान खान सवाल मेरा आपसे भी है, और सवाल मेरा आपसे इसलिए है क्योंकि जब सर्जिकल स्ट्राइक की जाती है, जब एयर स्ट्राइक की जाती है, तो कोई तो पूछता है कि पहले तो ये सबूत दो कि स्ट्राइक हुई थी, फिर कोई पूछता है कितने लोग मारे गए थे, और उसमें आपकी पार्टी भी काफी आगे रहती है, और इसीलिए प्रधानमंत्री ने शायद ये बात कही, जो घर के लोगों को नहीं संभाल पाते, गली के गुंडे नहीं संभाल पाते, वो देश क्या संभालेंगे। देखिए भाई, आपका दो ब्रेक हुआ, उससे पहले से ही मैं उंगली उठाए खड़ा था सर, बोलिए ना। इस बात को लेकर के आपका जो डिबेट का जो मैं बता रहा हूँ उसी पे मुझे बोलने का मौका दीजिएगा। आप तो देख रहा हूँ कि बार बार कांग्रेस और बीजेपी का एक नैरेटिव पंजाब के चुनाव को लेकर आप तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस वहां पर सत्ता में है, बीजेपी का वहां अस्तित्व नहीं है, आम आदमी पार्टी वहां विपक्ष में है। आप वहां बार बार बीजेपी और कांग्रेस का खेल खेल रही हैं ताकि वोट कन्वर्ट किया जा सके, जिस बात को निंदा कर छोड़ देना चाहिए था और जिस बात का कड़ा आलोचना करना चाहिए था, उस बात को हथियार बनाकर सैम पित्रोदा का बात को लेकर आप उसको वोट में कन्वर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। एक देश के इतने बड़े प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी आप उसको पंजाब के चुनाव को लेकर वोट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहां आपकी अस्तित्व नहीं है, जहां आपकी नहीं, बिल्कुल जनता देख रही है, नहीं जनता देख रही है, कहीं ना कहीं एक पैटर्न बन गया। बीजेपी या कांग्रेस, बीजेपी वहां पर अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है। इमरान खान, बीजेपी को फायदा आप शायद मेरी डिबेट में पहली बार आए हैं क्योंकि मेरी डिबेट में फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी गारंटीड है, और मेरे सवाल पॉइंटेड होते हैं, और मैं स्टेक होल्डर्स को अकाउंटेबल होल्ड करती हूं। अगर उस मिनट में मेरे को बीजेपी से जवाब चाहिए तो मैं बीजेपी का जवाब लूंगी सर, मैं लूंगी जवाब, क्योंकि देश की जनता के वो सवाल है। आपसे अब आपकी बारी आई है, आप अपनी बात कीजिए, दूसरों पर उंगली मत उठाइए, आप मुद्दे पर आइए सीधा। नहीं नहीं, मैं जो उठाया आप देख लीजिए अपना सर, आप मुद्दे पर आइए, आपके पास कुछ बोलने के लिए है तो। बिल्कुल मुद्दे पे हूँ। आप जिस तरह से करें, बीजेपी का वहाँ क्या अस्तित्व है पंजाब में बताइए ना, आप बीजेपी कहाँ है, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी आज कहाँ है? सीपी सिंह साहब सर इनको बता दीजिए, शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी पंजाब में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, जरा बता दीजिए जनाब को। आप मुझसे ज्यादा पॉलिटिकल समझ रखते हैं, शायद आपकी बात पर ज्यादा भरोसा करेंगे। देखिए, आप पिछले चुनाव में आए, आपको कुछ सीटें मिली, कुछ परसेंटेज वोट मिला, इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो पहले जो पार्टियां थी सत्ता में लंबे समय तक थी, वो चूंकि सत्ता में नहीं है इसलिए उनका अस्तित्व नहीं है। उस लिहाज से तो 44 सीट वाली जो कांग्रेस है वो तो उसको कायदे से देश से गायब होना चाहिए, और उससे भी कम सीट आपकी है तो आपका तो अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए, ऐसा तो होता नहीं है। हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें तो कम वोट शेयर कम है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप वहां पे है ही नहीं ना। बीजेपी वहां पर क्या है, क्या किया बीजेपी ने क्या किया है, सिर्फ बातों को लेकर राजनीति करना, वोट में कन्वर्ट करना। मेरा वोट वो तो बीजेपी वाले जवाब देंगे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वोटों के परसेंटेज और लोगों में उपस्थिति की बात है तो अकाली दल और भाजपा वहाँ पहले से है और ज्यादा है, कोई कम नहीं है, और इस चुनाव में हो सकता है कि और ज्यादा उपस्थिति पता चल जाएगी। अकाली दल भाजपा के जन्म से पहले की पार्टी है, लेने दीजिए आप, मगर भाजपा कहां पर है पंजाब में बताइए। इस तरह से भाजपा कहां पर है मैं जवाब देना चाहता हूं, मुझे जवाब देने दीजिए। इमरान खान जी, आप वही दल है ना जो भाजपा के बारे में आज सवाल पूछ रहे हैं, और अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस के पैरों में गिरे हुए थे कि पंजाब हरियाणा और दिल्ली में अलायंस कर लो। आप हमसे पूछेंगे हम पंजाब में कहां है, अगर हम नहीं है तो अलायंस करने के लिए कांग्रेस के चरणों में क्यों गिरे हुए थे, उस दल के चरणों में जिसने नरसंहार किया था। आपका अलायंस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपको दो सीट कैप्टन ने देने को मना कर दी। केजरीवाल का ये बयान है, केजरीवाल का ये बयान है, अगर पंजाब की सरकार नहीं मानती है, केजरीवाल का ये बयान है, अगर पंजाब की सरकार नहीं मानती है इसको बचाने के लिए, हरियाणा को बचाने के लिए आज आप लोगों ने सारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करके रखा है। आज आपने सारे इंस्टीट्यूशन को बर्बाद करके रखा है, ईडी को, सीबीआई को, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, आज आप सब बर्बाद करके रखे हैं। सिर्फ आप लोगों से देश को बचाने के लिए, आप लोगों से देश को बचाने के लिए आप लोगों ने देश को बर्बाद करके रख दिया है।
बीजेपी के हर बीजेपी को बर्बाद किया, नरसंहार करने वालों से समर्थन लेंगे और बीजेपी से देश को बचाएंगे। आप लोगों ने जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को बीजेपी के ऊपर सवाल करने से पहले इसलिए जनता के सामने आग झुकाइए। आम आदमी पार्टी ने आपकी हंसी भी आग आशीष सूद क्योंकि जनता की नुमाइंदगी करना मेरा काम है। इमरान खान मेरी बात सुनिए, इमरान खान सुन लीजिए मेरी बात। दिल्ली में मिली ना आपकी पार्टी को मौका, दिल्ली की जनता ने दिया ना आपकी पार्टी को मौका। दिल्ली को कितना सवार दिया आपने, एलजी के घर के बाहर जाके आपके नेता जी बैठ जाते हैं धरने पर, ऐसे लगता है आज भी वो चैलेंजर की भूमिका में है, रूलर नहीं है। अकाउंटेबिलिटी हर बार सेंट्रल गवर्नमेंट की, अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हैं। और एक और बात सुनिए मेरी ध्यान से इमरान खान, एक और बात सुनिए, जनतंत्र में ना विनम्रता रखिए। एरोगेंस जो है वो अच्छी बात नहीं है, एरोगेंस अच्छी बात नहीं है। जनता आपको बनाती है, जनता के हाथ में आप लोगों की चाबी है, जनता उंगली से बटन दबाती है आपका, तो आप ऐसी डिबेट्स में आते हैं। इस बात को भूलिए मत कि ये हमसे छोटी पार्टी, वो हमसे बड़ी पार्टी। दीपक जी आप कहना चाह रहे थे, आप बोलिए। आम आदमी पार्टी के लिए मैं एक लाइन बोलूंगा, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो दो चार पांच सीटें जीत के विपक्ष में आ गए आम आदमी पंजाब में, और भाजपा को जनता ने प्रधानमंत्री पद का पोस्ट दे दिया था, तो इतने हड़बड़ा गए, चार दिन की चांदनी रह गई इनके लिए। भाजपा ने क्या किया है, सारी राष्ट्रद्रोही पार्टियों के साथ इन्होंने गठबंधन किया पूरे देश में, चाहे आप असम में लीजिए, पंजाब में लीजिए, बिल्कुल आपके यहाँ से क्या हुआ, राष्ट्रद्रोही पार्टियों के साथ क्या हुआ है। आपने क्या कहा, हम अस्पा हटा देंगे कश्मीर से, अस्पा हटाने का बिल्कुल बिल्कुल उसको पूरा विचार करने के लिए बात की है। एक चीज और आपको बता दें, जिस दिन हमने कहा था अस्पा हटाने के, उस दिन नरेंद्र मोदी सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में दो जिलों से अस्पा हटाया है। सीपीसी नॉलेज के लिए बता दें, दो जिलों से अस्पा हटाया है। अपनी नॉलेज के लिए बताना चाह रहा हूँ, देश के लिए बताना चाह रहा हूँ, भाजपा की गलत बयान। राष्ट्र प्रेम याद आ रहा है आज आपको, अब आपको राष्ट्र प्रेम याद आ रहा है, जब आप सर्जिकल स्ट्राइक के एयर स्ट्राइक के प्रूफ मांगते हैं तब आपको याद नहीं आता है, जब आप लाशें गिनने की बात करते हैं तब याद नहीं आता है आपको, जब सेना को कमजोर करने की बात करते हैं तब याद नहीं आता है। राजीव गांधी पर टिप्पणी हो जाती है तो शहीद का अपमान हो जाता है, और जो सेना का अपमान रोज करते हैं वो क्या होता है। सीपी सिंह साहब, सालों में 2014 में जितने जवान शहीद हुए, सीपी सिंह साहब आप बोलिए, 2014 से 2019 के बीच में जवान शहीद हुए, आप डिरेल करेंगे, डिरेल करेंगे, मुझे पता हुआ तो हुआ, तो आप डिफेंड नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी जो हमारी अभी राजनीतिक संस्कार की त्रासदी है कि सत्ता पक्ष या सत्तासीन पार्टी के विरोध में विरोधी इस हद तक चले गए हैं कि उनको राष्ट्र विरोध, देश विरोध और मोदी विरोध का अंतर ही भूल गया है, इसीलिए यहां तक वादा करते हैं, जैसा आपने बताया भी कि वो 370 को जेव का त्यों रहने देंगे, वो राष्ट्र राजद्रोह का मामला है उसको हटा देंगे, अफ्सका को हटा देंगे, सेना को कमजोर कर देंगे, सेना को कमजोर कर देंगे, सेना के हाथ बांध देंगे, और ये बात करते हैं, और जो टुकड़े, आप बोल लीजिएगा ना जब आपको मौका आएगा, बोल लीजिएगा, और जो टुकड़े टुकड़े गएंगे उसके साथ हमारा विपक्ष खड़ा होता नजर आता है, ये अपने आप में ज्यादा चिंताजनक बात है। पार्टियां तो आती रहेंगी, जाती रहेंगी, बोल रहे हैं आपके टुकड़े टुकड़े गएंगे और इस तरह, लेकिन अचानक से देश में ऐसा हुआ क्या, एक कौन बताएगा कि इतना भय का माहौल कहां से पैदा हो गया कि टुकड़े टुकड़े गैंग भी पैदा हो गए। 70 सालों में देश सुकून से चल रहा था, अचानक से राष्ट्रवाद कहां जाग गया, कैसे मोदी जी दिल्ली आते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। बोलिए आप बोलना चाह रहे, बात पूरी कीजिए सर, बात पूरी कीजिए। इतना है कि टुकड़े टुकड़े गैंग कोई आज से नहीं है, जब टुकड़े टुकड़े गैंग से कांग्रेस और उसकी जैसी सेकुलर पार्टियों ने समझौता कर रखा था तो टुकड़े टुकड़े गैंग अपना काम कर रहा था, अब एक्शन होने लगा था, अब एक्शन होने लगा है, ठीक है। इमरान खान मिलाने लगे, इमरान खान जल्दी से, नहीं, मैं आशीष सूद साहब से प्रश्न करना चाहता हूं कि जो हुगली हुगली कांकी नारा में आकर प्रधानमंत्री ने कहा पश्चिम बंगाल में ये 40 टीएमसी के एमएलए हमारे संपर्क में हैं, मैं पूछना चाहता हूं कौन से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज उनके संपर्क में है, ये देश की जनता और पश्चिम बंगाल की जनता और आने वाले जहां जहां चुनाव है वहां की जनता को प्रधानमंत्री साफ सुथरा बयान दें, जनता में स्पष्ट करें कि वो कौन से स्टेट में हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं। बार बार यही सवाल बार बार आता है, जल्दी से 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। बिल्कुल, देखिए अदिति जी, जो हमारे साथ संपर्क में है वो हमारी राजनीतिक रणनीति है, समय पर बताएंगे, मगर पहले ये बताएं
कि पंजाब में अलायंस करने के लिए क्यों हाथ पसारे थे केजरीवाल और उनकी पार्टी ने, और अगर केजरीवाल और उनकी पार्टी ने अलायंस के लिए हाथ पसारे थे तो उन्होंने नरसंहार की निंदा अभी तक क्यों नहीं की है? सैम पित्रोदा के बयान पर केजरीवाल अभी तक चुप क्यों है? इन लोगों को सब अपनी अपनी सुविधा की राजनीति कर रहे हैं ना यहाँ पर, सब अपनी सुविधा की राजनीति कर रहे हैं। आशीष सूद साहब, ये सब जानते हैं कि पीड़ितों का दर्द कितना किसे है, सब जानते हैं, लेकिन हर कोई कर रहा है सुविधा की राजनीति। फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बड़ी खबर ये है कि ममता बनर्जी की फोटोशॉप तस्वीर शेयर करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होगी। ममता बनर्जी का टीम बनाया गया था, इस आरोप में प्रियंका शर्मा को गिरफ्तार किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। दायर याचिका में प्रियंका शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट से जमानत की अपील की है। प्रियंका शर्मा की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। बड़ा सवाल, बड़ी बात, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाला गैंग कहां छिपा हुआ है, क्यों खुलकर सामने नहीं आ रहा, क्यों ममता दीदी से सवाल नहीं पूछ रहा? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं।